वेलकम बच्चों, तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये चैप्टर अभी एंडिंग पर है। सो यहाँ पर हमारे पास मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 में हमारे लास्ट के 3 क्वेश्चंस हैं, 37, 38 और 39। ठीक है, इसके पहले इस चैप्टर के हमने फार्मूले देखे, बेसिक कंसेप्ट देखे, जो कुछ ट्रिक्स वगैरह थी वो चीज़ें देखे, अलग अलग एक्सरसाइज को सॉल्व किया और मिसलेनियस एक्सरसाइज में अलग अलग तरीके के हमने क्या किया, यहाँ पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। अब हम इसको देखते हैं और यहाँ पर फिर आपका टर्न आता है कि जब बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे तो ही नॉलेज आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक, ज़्यादा समय तक फिट रहेगा। ये कंसेप्ट सबको समझते, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके, जितनी ज़्यादा फार्मूले को मेमोराइज कर सके, वो सब आप करिए। ठीक है, तो चलो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37, 38 और 39। उसमें से पहले हेडिंग हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37। देखो यहाँ पर क्या कहा उन्होंने, इफ़, जब भी देखो बच्चों, जब शुरुआत होती है किसी क्वेश्चन की इफ से, तो समझ जाओ कि उसके बाद जो मटेरियल है दैट इज़ गिवन। ठीक है, जो गिवन पार्ट है, तो क्या कहा उन्होंने, इफ एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव। सबसे पहली बात है कि एक्स वाई जेड क्या है, पॉजिटिव है। दूसरी बात क्या कहा उन्होंने, देन प्रूव दैट। अब सिर्फ इतना सा पार्ट है कि एक्स वाई जेड पॉजिटिव है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया, देन प्रूव दैट। ठीक है, क्या कहा उन्होंने, टैन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स इंटू वाई प्लस टैन इनवर्स वाई माइनस जेड अपॉन वन प्लस वाई जेड प्लस टैन इनवर्स जेड माइनस एक्स अपॉन वन प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये आपको बताना है। तो सिंपली हम एक काम कर लेते, यहाँ पर इसको शुरुआत करते हैं डायरेक्ट LHS से। ठीक है, डायरेक्ट LHS से। अब इज इक्वल टू सामने देने के एवज में मैं नीचे दे देता हूँ, थोड़ी स्टेप को बढ़ा है यहाँ पर ये हमारे पास में। तो यहाँ पर काम करते, चलो बताओ क्या दिया उन्होंने, LHS क्या है, टैन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई प्लस, आगे देखो यहाँ पर क्या है, टैन इनवर्स y माइनस जेड अपॉन वन प्लस वाई जेड प्लस, आगे है टैन इनवर्स, यहाँ पर है जेड माइनस एक्स अपॉन वन प्लस जेड एक्स। ठीक है, और इन सबको सॉल्व कर कर आपके पास क्या लाना है, जीरो लाना है। एकदम सिंपल सा तरीका है बच्चों इसके लिए, मतलब यहाँ पर जो सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पर जो फार्मूला है बस फार्मूले का ही इस्तेमाल कर लीजिए यहाँ पर। तो चलो देखो यहाँ पर हमारे पास में सिंपली एक ये फार्मूला है, कौन सा, कि हमारे पास टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, फार्मूला क्या कहता है, टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला है। यही फार्मूला बच्चों अगर यहाँ पर माइनस होता है तो ऊपर में माइनस आता है और नीचे में प्लस आता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि ये चीज़ देकर सामने जाना होता है, कभी ये चीज़ देकर इधर वापस आते हैं, हम यहाँ पर वैसा ही हो रहा है, टैन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स वाई वन प्लस एक्स वाई, ऐसा दिया है। मतलब उन्होंने इस पार्ट को दिया है, तो इस पार्ट से हम इधर खुद को क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं। ठीक है, यानी वापस हम इधर में आ जाएंगे। तो सिंपल तरीका कौन सा है ध्यान में रखने का, ऊपर में x माइनस वाई है तो सिंपली टैन इनवर्स x माइनस टैन इनवर्स y, यानी ऊपर पे फोकस कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो क्या दिया, टैन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन नीचे में वन प्लस एक्स वाई है, तो सिंपली फार्मूला क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर होगा टैन इनवर्स x माइनस, यहाँ पर बनेगा टैन इनवर्स y। ठीक है, आगे बस सिंपली वैसे ही यहाँ पर देखो, टैन इनवर्स y माइनस जेड अपॉन वन प्लस वाई जेड है, तो ऊपर में y माइनस जेड है, तो फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ पर आप ब्रैकेट कर सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, यानी सेपरेट, इसका काम यहाँ पे हुआ, इसका काम यहाँ पे हम शो कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, तो ये होगा टैन इनवर्स y माइनस, यहाँ बनेगा टैन इनवर्स z। ठीक है, प्लस तीसरा भी वैसे ही है, तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम, टैन इनवर्स z माइनस टैन इनवर्स x, क्या लिखेंगे यहाँ हम, टैन इनवर्स z माइनस टैन इनवर्स, यहाँ पर हम क्या करेंगे, x करेंगे। ठीक है, अब सिंपली बच्चों यहाँ पर आपको थोड़ा सा और कुछ नया काम नहीं करना है, सिंपली एडिशन सब्ट्रैक्शन का जो पार्ट होता है उसी को सॉल्व कर लेना है। अब आप देखो यहाँ पर टैन इनवर्स x है, आगे अगर बढ़ते हो टैन इनवर्स x तो यहाँ पे मिलता है। ठीक है, अब देखो यहाँ टैन इनवर्स x है, या माइनस टैन इनवर्स x है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पार्ट आप यहाँ पर देखो, ये टैन इनवर्स y माइनस में है, आप यहाँ पर देखेंगे टैन इनवर्स y प्लस में, क्यों, क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर के कोई साइन चेंज नहीं होंगे, तो वो भी डायरेक्टली क्या हो जाएगा वहां पर, कैंसल। आगे बढ़ते हैं, यहां पर माइनस टैन इनवर्स जेड दिख रहा, जो यहां पर प्लस टैन इनवर्स जेड है, क्योंकि इसके सामने में भी प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, तो ये भी अल्टीमेटली बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। अब देखा जाए तो इस स्टेप में
एक भी टर्म बची नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सभी के सभी टर्म गायब हो गई, कुछ नहीं बचा। और बच्चों एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं बचेगा, मतलब वहाँ पर हम जीरो लेते हैं। वहाँ पर क्या लेते हैं? जीरो। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कुछ नहीं बचता तो वन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, एक्स अपॉन वाई इंटू वाई अपॉन एक्स है, ये इसके साथ कट जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। सो सिंपली यहाँ जीरो नहीं होता, यहाँ पर क्या होता? वन। वही अगर आप एक्स माइनस एक्स करेंगे, ये कट जाने के बाद कुछ बचेगा तो जीरो। यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन में नथिंग मीन्स जीरो, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में नथिंग मीन्स वन, ठीक है। तो फिलहाल यहां पर क्या थी हमारी? एडिशन सब्ट्रैक्शन थी, ठीक है। कुछ नहीं बचा तो आंसर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, यहां पर आंसर जीरो होगा। और इज इक्वल टू यही हमारी आरएचएस है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब उन्होंने जो दिया था प्रूव करने को, वो स्टेटमेंट आपको आखिरी में लिख देना है। सो सिंपली क्या कहेंगे यहां पर हम? टैन इनवर्स, ठीक है, क्या था? एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई प्लस क्या था? टैन इनवर्स, देखो यहाँ पर, वाई माइनस जेड अपॉन वन प्लस वाई जेड प्लस क्या था यहाँ पर तीसरी टर्म? टैन इनवर्स जेड माइनस एक्स अपॉन वन प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू आंसर क्या आया? जीरो। आप इसको फाइनल यहाँ पर इस तरह से लिख दीजिए, ठीक है। यानी ये हो गया आपका आंसर, ये आपने यहाँ पर प्रूव कर दिया, ठीक है। सो बच्चों इस प्रकार से आपको क्या करना होता है? सिंपली सॉल्व करना होता है, ठीक है। बराबर आप यहाँ पर चेक करेंगे कहाँ पर क्या हुआ, कहाँ पर कौन सी चीज़ कैंसिल हुई, एडिशन सब्ट्रैक्शन और मेन चीज़ तो फार्मूला हमारे पास, ठीक है। इस तरह से आप करेंगे यहाँ, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 38, या हेडिंग डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के। चलो देखो क्या कहा यहाँ पर। इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई बाई टू, ये दिया, देन शो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड इज इक्वल टू वन, ये चीज़ हमको यहाँ पर लानी है। तो चलो ये इफ के बाद जो चीज़ होती है वो हमको गिवन होती है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं गिवन। क्या चीज़ दी है देखो, तो क्या है वहाँ पर? ये पूरा का यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सो क्या है? tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू क्या दिया आपको? पाई बाई टू, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते करते जाना है और फाइनली आपको एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एस इज इक्वल टू वन ला कर बता देना, ठीक है। अब सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से इस टैन इनवर्स जेड को हम क्या करते हैं? उधर ट्रांसफ़र कर देते। तो यहाँ बचेगा क्या? आप देख लीजिए, टैन इनवर्स एक्स प्लस ये बनेगा टैन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, ये ऑलरेडी वहाँ पर क्या दिख रहा है? पाई बाई टू माइनस क्या हो जाएगा? टैन इनवर्स जेड, ये हो जाएगा, ठीक। चलो अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे आप चेक करो, टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई, ये तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला है, बस थोड़ा सा चेंज है, यहाँ प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस वाला फार्मूला ले लेंगे, तो नीचे में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई यानी लेफ्ट हैंड साइड के लिए। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे देखो, पाई बाई टू माइनस क्या है यहाँ पर? टैन इनवर्स जेड है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करते तो हमने यहाँ पर पाई बाय टू माइनस टैन इनवर्स थीटा अगर लेते हैं, तो बच्चों ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला किसका फार्मूला है? तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये कॉट इनवर्स थीटा का फार्मूला मिलेगा। यानी आप कॉट इनवर्स थीटा इज इक्वल टू क्या रखते हो? पाई बाय टू माइनस टैन इनवर्स थीटा, ठीक है। अब अगर उल्टा कर दिया जाए तो यहाँ पे इस तरह से आ सकते हैं, कौन सा? पाई बाय टू माइनस टैन इनवर्स थीटा, मतलब कॉट इनवर्स थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर पाई बाय टू माइनस टैन इनवर्स जेड, अब थीटा की जगह पे जेड आ गया, इसका मतलब होगा कॉट इनवर्स जेड, ठीक है। यानी इधर में हम ये फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे? कॉट इनवर्स का ये लगा देंगे, ठीक है। तो चलो लेफ्ट साइड में काम करते हैं, तो टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये बनेगा टैन इनवर्स, ठीक है, एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब इज इक्वल टू सामने में क्या काम है? पाई बाय टू माइनस टैन इनवर्स जेड, पाई बाय टू माइनस टैन इनवर्स थीटा यानी कॉट इनवर्स थीटा, थीटा के जगह पे जेड आया, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा कॉट इनवर्स थीटा, थीटा थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। चलो अब यहाँ पर हम क्या करते, ये हमारे पास है टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब और एक फार्मूला यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है, कौन सा? कि अगर हमारे पास है कॉट इनवर्स जेड, इसको हम कन्वर्ट करते टैन में, तो ये बन जाएगा टैन इनवर्स उल्टा वन बाय जेड बनेगा। ये फार्मूले भी हमने लिखे। देखो जो भी चीज़ें यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फार्मूले के तौर पर इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ऑलरेडी ऑल दिस टाइप ऑफ फार्मूले वी हैव सीन एंड वी हैव रिटन इन द नोटबुक इन डायरी, ठीक है। आपको सबको क्या करना है, बस उसको पढ़ना है सबसे पहले, ठीक है।
और इसके ऊपर में ऑलरेडी क्लासेस भी हो चुके हैं, अगर देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर देख भी सकते हो, ठीक है। तो चलो यहाँ पर कॉट इनवर्स जेड को हम किस में बदलेंगे, टैन इनवर्स 1/z में। सो वी विल राइट हियर टैन इनवर्स 1/z, ठीक है। फाइनली टैन इनवर्स ये जो वर्ड्स है यहाँ से गायब हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। अब बचेगा क्या सिंपली, तो एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - xy इज इक्वल टू, टैन इनवर्स गया तो कौन बचेगा, 1/z, ठीक है। अब सिंपली यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो z से मल्टीप्लाई करेंगे तो z इंटू एक्स बनेगा zx प्लस y इंटू जेड वाई जेड इज इक्वल टू, आप 1 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसको तो वही आएगा, तो 1 - xy ही हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपली आप इस 1 - xy को इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो ये सॉरी 1 माइनस ने सिर्फ xy को ट्रांसफ़र करो, तो ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस होगा, तो ये बनेगा xy ऑलरेडी प्लस yz है यहाँ पर, और ये हमारे पास zx है, सामने कुछ नहीं बचा तो हमारा 1 बचता है। और अगर आप देखो तो क्वेश्चन में जो हमको प्रूव करना था बच्चों, यहाँ पर वही हमारी स्टेप आ चुकी है, xy प्लस yz प्लस zx इज इक्वल टू 1, यानी हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करते करते गए और ऑटोमेटिक यहाँ पर हमारे पास में क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके लिए इन फार्मूले का हमने क्या किया, इस्तेमाल किया। सो सिंपली आपको ध्यान में रखना है फार्मूले कि बेसिक कंसेप्ट, ठीक है, कोई ट्रिक होती है, कोई टेक्निक होती है, वो सब चीज़ें यहाँ पे पढ़ने के बाद किसी भी क्वेश्चन को आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। अब इसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि हमको क्वेश्चन देखने के लिए जगह बनानी है, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पर हेडिंग डाल दी हमने क्वेश्चन 39 की। चलो देखो यहाँ पर क्या कहा उन्होंने, इफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई दिया है, देन शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1, ठीक है। कुछ इसी तरह का है, थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर वहाँ पर टैन इनवर्स था, यहाँ पर कॉस इनवर्स है, ठीक है। तो चलो काम करते हैं, यहाँ पर गिवन क्या है, इफ मतलब गिवन है हमारे पास, तो दिया क्या है उन्होंने, देखो यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पर फोकस करो गिवन, ठीक है, यह हो जाएगा कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई। अब देखो जैसे हमने यहाँ पर टैन इनवर्स जेड को उधर ट्रांसफ़र किया था, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस कॉस इनवर्स जेड को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, हमें कुछ ना कुछ नया मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर है हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स प्लस ये है कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड, ये चीज़ हो जाएंगे, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे वहाँ पर पाई बाय टू माइनस टैन इनवर्स जेड था जिसका फार्मूला कॉट इनवर्स जेड मिला, ठीक है, वैसे यहाँ पर पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा अगर बात करते तो ये जो फार्मूला बच्चों, ये फार्मूला हमारे पास है कॉस इनवर्स माइनस थीटा का, किसका फार्मूला, ये कॉस इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, ये हमारे पास कौन सा, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, अब थीटा की जगह पे जेड है, ठीक है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस जेड, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉस, ये ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ रखते हैं, एक्स प्लस यहाँ पर हमारे पास है कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड का मतलब क्या होगा, कॉस इनवर्स माइनस जेड, ठीक है, ये फार्मूले से आपको मिल जाएगा, ठीक। चलो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सेपरेट सॉल्व करते हैं, लेट हम यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स के जगह पे समझो मैं ए रख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए लिया, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू कॉस उधर जाएगा, ठीक है, यानी क्या होगा, कॉस ए इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब कॉस ए है तो बच्चों हमारे पास ऑलरेडी फार्मूला है कौन सा, ये फार्मूला है कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब मुझे अगर साइन स्क्वेयर थीटा चाहिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा होगा, और अगर मैं साइन थीटा चाहता हूँ तो स्क्वेयर जाएगा तो 1 माइनस रूट में आ जाएगा कॉस स्क्वेयर थीटा, ठीक है। या फिर जैसे हमने साइन को अकेला किया वैसे हम कॉस को भी अकेला कर सकते हैं, ठीक है, अल्सो क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार जैसे यहाँ पर हमको कॉस ए इज इक्वल टू एक्स मिला तो यहाँ से हम किसको निकाल सकते हैं, साइन ए निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो हमने क्या किया, ये जो पार्ट है इसके जगह पे ए ले लिया, कॉस इनवर्स उधर गया तो कॉस ए इज इक्वल टू एक्स आया। अब साइन ए निकालते हैं, साइन के लिए डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लेंगे हम यहाँ पर कौन सा, कि 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब सो डायरेक्ट काम करते साइन ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस देखो कॉस ए, ठीक है, कॉस ए का मतलब एक्स है, कॉस ए का मतलब क्या है एक्स, तो कॉस स्क्वेयर का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर, ठीक है।
तो सिंपल कॉस ए इज इक्वल टू एक्स आया तो साइन ए इज इक्वल टू रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी देखो ये कॉस इनवर्स एक्स के लिए ए लिया, उससे हमको क्या मिला, कॉस ए मिला और साइन ए। उसी प्रकार ये जो हमारे पास सेकंड है कॉस इनवर्स वाई, मैं यही पे काम कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कॉस इनवर्स वाई है तो कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू समझो बी ले लेते हम, ठीक है। फिर से इसी के जैसा काम करना है तो कॉस इनवर्स उधर जाएगा तो क्या होगा, कॉस बी होगा इज इक्वल टू वाई। तो सिंपली यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, साइन बी, जो फार्मूला होगा कौन सा, वन माइनस कॉस स्क्वेयर बी, ठीक है। और इसीलिए आप साइन बी के जगह पे क्या रख सकते हो, देखो वन माइनस कॉस बी, कॉस बी का मतलब क्या है वाई, तो कॉस स्क्वेयर का मतलब क्या होगा वाई स्क्वेयर, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने इन दोनों चीज़ों के लिए क्या कर लिया, एक्स ए और बी यहाँ पर ले लिया, ठीक है। चलो अब हम काम क्या करते, ये देखो यहाँ पर, ठीक है, आप इसको नाम दे सकते हो इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ लिख दो, ठीक है। तो फ्रॉम वन क्या बोलेंगे हम, फ्रॉम वन, ठीक है। तो कॉस इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स के जगह पे क्या रखेंगे हम ए, प्लस कॉस इनवर्स वाई है, कॉस इनवर्स वाई के जगह पे क्या रखेंगे आप बी रखेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये बनेगा कॉस इनवर्स, ठीक है, ये है माइनस जेड, ये चीज़ आ जाएंगी, ठीक है। अब बच्चों अगर मान लीजिए अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, ये कॉस इनवर्स इधर भेज दो, कॉस इनवर्स को इधर भेजो तो क्या हो जाएगा, कॉस होगा, तो कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस जेड, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू यह है तो यहाँ पर सामने में माइनस जेड आ जाएगा, ठीक। चलो अब इसको ना हम सॉल्व करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आप देखो फार्मूला कौन सा बन रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में फार्मूला कौन सा बन रहा है हमारे पास में, तो यहाँ पर आपके पास फार्मूला है कौन सा, कॉस ए प्लस बी, हमारे पास एडिशन फार्मूले है, ठीक है, एस सी सी एस, एस सी सी एस, सी सी एस, सी सी एस एस, कॉस है तो सी सी एस एस, लेकिन प्लस में इधर में प्लस होगा तो उधर साइड में माइनस होता, तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा सी सी एस एस। अब सी सी एस एस का मतलब क्या है, सी मतलब कॉस, ठीक है, यानी क्या होगा कॉस ए, ठीक है, सी फिर सी, यानी कॉस दूसरा एंगल कौन सा यहाँ पर बी है, इसको हम कहते हैं सी सी, ठीक है। फिर एस एस, ठीक है, मैं थोड़े गैप छोड़ता हूँ, एस एस का मतलब साइन, तो साइन ए इंटू क्या होगा साइन बी, ठीक है। अब यहाँ प्लस दिया तो आप यहाँ पर फार्मूले में क्या लेंगे माइनस, ठीक है। अब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस जेड, ठीक। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करो, तो देखो ये कॉस ए है तो कॉस ए के जगह पे आप क्या रखेंगे, यहाँ पर आप रखेंगे एक्स इंटू, ये कॉस बी है, ठीक है, तो आप यहाँ पर कॉस बी को चेक करो वन, देखो कॉस बी यहाँ पर वाई है तो यहाँ पर मैंने रख दिया वाई, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पर क्या है साइन ए और साइन बी, तो साइन ए देखो कहाँ है, साइन ये है रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर रखेंगे हम रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू साइन बी, देखो तो साइन बी यहाँ मिल रहा है आपको, ठीक है, क्या होगा वो वन माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस जेड हो जाएगा। अब इसी को आप आगे आगे बढ़ाते जाओ, ठीक। मैं क्या करता हूँ ये जेड को इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, मतलब एक्स वाई और जेड इधर आएगा तो क्या होगा प्लस होगा, ठीक है। उसी प्रकार ये पूरी टर्म मैं उधर लेके जाता हूँ, यानी इज इक्वल टू ये माइनस है तो पूरी टर्म उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगी प्लस, मतलब वन माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू क्या होगा वन माइनस वाई स्क्वेयर हो जाएगा। चलो अब इसको सिंपली सॉल्व करो, तो यहाँ पर हम देखो इधर साइड में स्क्वेयर रूट है तो हम दोनों साइड में क्या करेंगे स्क्वेयर करेंगे, मतलब स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो इधर में भी स्क्वेयर होगा और इधर में भी स्क्वेयर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे एक्स वाई प्लस जेड उसका स्क्वेयर और इधर में होगा रूट ऑफ, ठीक है, वन माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वेयर उसका स्क्वेयर, ठीक है। अब यहाँ पर ए प्लस बी स्क्वेयर का फार्मूला लगेगा, फार्मूला क्या कहता ए स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, अब ए स्क्वेयर मतलब एक्स वाई का स्क्वेयर मतलब एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए, ए मतलब एक्स वाई एंड बी मतलब जेड प्लस बी स्क्वेयर मतलब बनेगा जेड स्क्वेयर, ठीक है। अब इधर में देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, क्या होता है ब्रैकेट का स्क्वेयर यानी सबका स्क्वेयर, तो इधर में इसका भी स्क्वेयर होगा तो स्क्वेयर रूट और स्क्वेयर कैंसिल होगा तो बचेगा वन माइनस एक्स स्क्वेयर, यहाँ पर भी स्क्वेयर रूट और स्क्वेयर कैंसिल होगा तो वन माइनस वाई स्क्वेयर ये होगा। चलो अब सॉल्व करना शुरू करो, तो ये एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर है, ये ट्वाइस एक्स वाई जेड है प्लस जेड स्क्वेयर है इज इक्वल टू वन से मल्टीप्लाई करो, वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन माइनस वाई स्क्वेयर यानी वही आएगा, कुछ नया नहीं होगा। अब माइनस एक्स स्क्वेयर से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वेयर बन जा माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर मतलब एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर हो जाएगा। अब आप चेक करो यहाँ पर एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर है, यहाँ पर एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर
दोनों तरफ में अगर सेम चीज़ें आती कट जाएगी, तो बचेगा क्या? यहाँ पर है 2xyz प्लस ये जेड स्क्वेयर, ठीक है, सामने में ये 1 होगा, माइनस ये हमारे पास वाई स्क्वेयर है, ये माइनस एक्स स्क्वेयर है, ये और ये कट गया, ठीक है। अब सिंपली हम क्या करते हैं, 1 को छोड़ते बाकी इधर चीज़ें ला लेते हैं, तो ये माइनस एक्स स्क्वेयर इधर आएगा तो प्लस एक्स स्क्वेयर होगा, ये माइनस वाई स्क्वेयर इधर आएगा तो प्लस वाई स्क्वेयर होगा, ऑलरेडी हमारे पास जेड स्क्वेयर है और ये ट्वाइस एक्स वाई जेड यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, ट्वाइस एक्स वाई जेड, और सामने में जो कुछ बचेगा वो होगा आपका 1। और आप बच्चों यही चेक करो, हमें जो दिया गया था प्रूव करने के लिए, देखो क्या था वो, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो सिंपली यहाँ हम सॉल्व करते करते गए और ऑटोमेटिक हमारे यहाँ पर क्या हो गए, आंसर्स यहाँ पर आ गए, ठीक है। यानी ये हम देखते हैं यहाँ पर कि अगर ढंग से हमारे पास फार्मूले हैं, हर स्टेप को हर टर्म को किस तरह से सॉल्व करना, वो चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे एकदम बेसिक बेसिक लेवल पर देखो ना, यहाँ पर a प्लस बी स्क्वेयर का फार्मूला आ गया, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में एडिशन फार्मूले आ गए, ठीक है। जैसे ही बीच में छोटी मोटी चीज़ें अगर आपको अगर आती है वहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होते, आपको मालूम है किस स्टेप में किस टर्म के लिए क्या करना है, तो आप कभी उसको यानी मिस नहीं करेंगे और आपके मिस्टेक्स नहीं होंगे, ठीक है। और जब मिस्टेक्स ही नहीं होंगी तो अगर हम एग्ज़ाम का विचार करते हैं तो आपका वहाँ पर किसी भी तरह के नेगेटिव मार्किंग नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, अच्छे से स्टडी करिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये चैप्टर हमारी ओर से कम्प्लीट होता है हमारे स्टेट बोर्ड के लिए, ठीक है। उसके बाद में आप इसको क्या कर दीजिए, ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जितने भी फार्मूले जितने भी ट्रिक्स वगैरह छोटी मोटी चीज़ें आती है बेसिक कंसेप्ट, वो आप डायरी में नोट करके रखिए, स्पेशली उसकी डायरी बना दीजिए। यानी उससे क्या हो जाएगा कि आपको पूरे एक दो पेज पर ही इस पूरे चैप्टर में क्या है छोटी मोटी चीज़ें वो आपको ध्यान में आ जाएंगी। फिर उसके बाद प्रैक्टिस करते रहिए, आपका ये चैप्टर पूरी तरह से अच्छा बन जाएगा, ठीक है। और बच्चों जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, आप इसको भी थोड़ा सा क्या करो, उन बच्चों के साथ में शेयर कर दो जिसको जिन जिन विद्यार्थियों को इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।